जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट GDS के अंदर भर्ती निकलने वाली है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर मेरे भाई भर्ती आएगी। और ये भर्ती विभिन्न टाइप से निकलती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें पोस्ट मेल के थ्रू मेल के लिए निकलती हैं, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं BPM और APPM के थ्रू निकलती हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। इसका कारण क्या है, जब आप इसके सैलरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे भाई, अगर आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी ही वीडियोस आपको समय समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024-25। ये भर्ती पहली बार आ रही है, इससे पहले ये भर्ती कभी नहीं आई है और ये आने वाली है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भर्ती रहेगी, ये हो सकता है कि SSC के थ्रू ये भर्ती आपको देखने को मिले। इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो इसमें 98,098 एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसमें एजेंसीज का चयन किया जा रहा है जिसके तहत आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप लोग उस नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, शॉर्ट नोटिस है, उसको आप चेक कर सकते हैं। मेरे भाई, अगर इसमें बात करें हम तो तीन प्रकार की पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। पहला है पोस्टमैन, दूसरा है MTS और तीसरा है मेल गार्ड। इसमें अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की तो 59,999 पद आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और MTS के लिए 37,539 के करीब आपको पद देखने को मिलने वाले हैं। मेल गार्ड की बात करें तो इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलेंगे, जो कि 1,445 पद इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें योग्यता की, बात करें कि योग्यता इसके अंदर आखिरकार क्या रहेगी। सर, आपने बता तो दिया कि फॉर्म भरेंगे, कब भरेंगे, कब इसका नोटिफिकेशन कंप्लीट जारी होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग योग्यता को देख लीजिए, क्योंकि वीडियो देखने का तभी मतलब निकलेगा तब आप इसके अंदर इसकी योग्यताओं को पूरी करते हों। मेरे भाई, दो प्रकार से अगर आप यहाँ देखोगे तो पहला है MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ। जब इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सेलेक्ट होगे तो वहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ में आपको रखा जाएगा। तो यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10th पास होने चाहिए। अगर आप लोगों ने 10th क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जिस जगह से आते हैं, मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ से आता है, मान लीजिए कोई कर्नाटक से आता है, तो उसकी लोकल लैंग्वेज जो होती है उसकी जानकारी उस बच्चे को होनी ही चाहिए। तो अगर आप जब इस फॉर्म को भरेंगे तो आप लोकल लैंग्वेज के हिसाब से भरिएगा, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो उसमें लोकल लैंग्वेज पूछी जाएगी। इसके बाद आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी ही चाहिए। कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है या इसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांग सकता है। मेल गार्ड की बात करता हूँ तो मेल गार्ड में यहाँ पर 12th पास आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास लोकल लैंग्वेज और कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर उम्र सीमा आखिरकार क्या रहेगी। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए जो उम्र सीमा रहेगी वो 18 से लेके 27 वर्ष तक रहेगी, क्योंकि इसमें 12th पास के स्टूडेंट भी फॉर्म भरने वाले हैं। इसके बाद अगर हम MTS की बात करें तो MTS में यहाँ पर 18 से लेके 25 वर्ष के जो अभ्यर्थी होंगे वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि सर, इसमें आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं। जी हाँ, आरक्षण का लाभ भी आपको मिलने वाला है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल का आरक्षण मिलता है और SC ST को 5 साल का आरक्षण मिलता है। गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी आती है उनमें ओबीसी को 3 साल ही मिलता है और SC ST को 5 साल का आरक्षण मिलता है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होगा, फिजिकल विद हैंडीकैप्ड के लिए क्या होगा, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट डिटेल आपको दे दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, मेरे भाई देखिए, ये वैकेंसी आएगी, पहली बार ऐसा होने वाला है कि ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अब आप लोग कहेंगे कि सर, जब ये वैकेंसी आएगी तो क्या इसका एग्जाम पैटर्न हमको पता है। जी, अभी तक एग्जाम पैटर्न बनाया नहीं है। हो सकता है कि TCS के थ्रू SSC इस एग्जाम को कंडक्ट कराए, और अगर SSC एग्जाम को कंडक्ट कराता है तो SSC अपने हिसाब से जो पैटर्न SSC के एग्जाम्स में, CGL के एग्जाम में, और बात करते हैं MTS के एग्जाम में, CHSL के एग्जाम में जो तरीका अपनाती है, उसी तरीके से आपको पेपर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन
का थोड़ा सा पैटर्न इधर उधर देखने को मिल सकता है। बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें मेरे भाई 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो कंप्लीट नॉलेज आपको दे ही दी जाएगी। उसके बाद आपको बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसमें आपकी जीके एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा जिसमें आपकी मैथ रीजनिंग जीके जीएस और यहाँ पर आपसे कंप्यूटर के बारे में लोकल लैंग्वेज के बारे में आपसे पूछ सकता है। लोकल लैंग्वेज में क्या हैगा तो लोकल लैंग्वेज में आप लोग अगर उर्दू के हैं तो उर्दू जब आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उर्दू के हैं तो उर्दू भरिए, हिंदी के तो हिंदी, इंग्लिश वाले इंग्लिश भर देंगे, मलयालम वाले मलयालम, मतलब जो हमारे संविधान की 22 भाषाएँ दी गई हैं उन्हीं भाषाओं में से आपको एक चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो उन भाषाओं में से आप किसी एक भाषा को चुन सकते हैं। क्लियर है? तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद करें क्योंकि SSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगा तो सीधी सीधी बात है मेरे भाई कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो मेल गार्ड की पोस्ट है, मेल गार्ड की पोस्ट है वो लेवल 3 के आधार पर आपको सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगा जो कि आपका 21,000 बेसिक सैलरी इसको माना जाता है। बाकी इन हैंड सैलरी की बात करें तो फिर यहाँ पर इन हैंड सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी DA TA वगैरह को जोड़ जाड़ कर। MTS की बात करें तो MTS में यहाँ पर जो आपकी सैलरी देखने को मिलेगी वो 18,000 बेसिक पे से लेकर और आपका 56,900 रुपये तक यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि लेवल 1 के हिसाब से यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाली है। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिस भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अब ये वैकेंसी आपको देखने को कम मिलेगी तो आप लोग ये मान लीजिए क्योंकि इस वैकेंसी को आना पहले ही था, जुलाई में आना था लेकिन अभी तक ना आ पाई। हो सकता है कि ये वैकेंसी आपकी नवंबर और दिसंबर के करीब आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो फिर जनवरी के करीब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि नवंबर दिसंबर के करीब, नवंबर के मिड से लेके दिसंबर के मिड के बीच में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्लियर है? तो ये वैकेंसी जल्द आएगी लेकिन आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो जैसे मैथ है, GK GS है, रीजनिंग है, इन पार्ट को आप लोग अभी से मजबूत कर चलिए। जैसे ही नोटिफिकेशन इसका जारी होता है तो आपकी प्रिपरेशन पहले से ही कंप्लीट होगी तो आप पर प्रेशर एग्जाम का नहीं पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।